सुंदर लग रहा है और यही होती है तरबूज की खेती। चलिए अब हम लोग जानेंगे तरबूज की खेती के बारे में, कैसे खेती की जाती है। दोस्तों आइए, इसमें हम लोग नदी के किनारे का मौजूद हैं और तरबूज भैया वो तरबूज इसको रेन बोलते हैं पनुआ। क्या लगा ली हो? टोकिया लगा ली? आइए देखिए, यहाँ पे हमारे भाई लोग तरबूज की खेती के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। देखिए यहाँ पहले से निशान बना दिया गया है कैसे कैसे गड्ढा खोदा जाएगा। दोस्तों ये देख लीजिए, यहाँ पे गड्ढा खोदा जा रहा है, इसी में तरबूज को लगाया जाएगा। और तरबूज को लगाने के बाद लगभग एक हफ्ते में तरबूज निकल जाता है उसका पौधा। और मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगा कैसे उसका पौधा निकल रहा है, कैसे उसमें फल आ रहा है, कैसे फूल आ रहा है। मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे गड्ढा कैसे खोदा जा रहा है, लगभग गड्ढे की गहराई 1 फुट 1.5 फुट के आसपास है यहाँ पे। और ये सबसे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूँ, इसकी खेती नदी के किनारे की जाती है। नदी के किनारे पे इसकी खेती की जाती है। देख लीजिए यहाँ पे गंगा नदी के किनारे पे मौजूद है, कितना सुंदर लग रहा है यहाँ का दृश्य, देख लीजिए आप लोग। और मैं आप लोग से बार बार गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो में किसान भाइयों को धन्यवाद जरूर करिएगा, जो आप लोग के यहाँ बहुत सारे फल फूल पौधे तरबूज खरबूज गेहूँ चावल जो भी पैदा होता है यहाँ से शहरों में जाता है, वो इन्हीं लोग का देन है कि आज हम लोग शहरों में इसको पाते हैं और सही समय पर हम लोग को ये मिल जाता है, इन्हीं लोग का देन है। अगर ये खेती करना बंद कर दें या खुद के लिए खेती करें तो शायद हमें कुछ ना मिल पाए। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूँ, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे के साथ साथ लोगों का इज्जत करना भी सीखिए। आप किसानों को सम्मान दीजिए और मैं उन नेताओं को भी वो एडवाइस देना चाहता हूँ, शायद उन लोगों को बुरा लगे, वो जो किसानों पर राजनीति करते रहते हैं बार बार, किसानों के लिए जो भी राजनीति होती है किसानों पर राजनीति कर करके वो लोग किसानों को उसका अवमान करते हैं। मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग किसानों को ऐसे उन लोगों को प्रोत्साहन कम मत किया करिए और राजनीति मत किया करिए। देखिए काफ़ी मेहनत करते हैं, देख लीजिए, और इतना मेहनत करने के बाद जा कर के हम लोग को कुछ खाने को नसीब होता है और आप लोग को भी वही नसीब होता है खाने को। आप लोग तो एसी में बैठ के, नेता लोग एसी में बैठ के सिर्फ राजनीति करते रहते हैं कि किसान पे बहुत सी राजनीति होती रही है और होती रहेंगी। आइए दोस्तों देखते हैं, लोग कहते हैं बेटी को मार डालोगे तो बहू कहाँ से पाओगे, जरा सोचो किसान को मार डालोगे तो रोटी कहाँ से लाओगे। इसमें हम लोग आ गए हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे तरबूज को लगाया जा रहा है गड्ढे में। देखिए यहाँ पे गड्ढा खोद दिया जाता है पहले से ही, और देख लीजिए ये तरबूज है, ये तरबूज देख लीजिए पहले से ही जमा दिया गया है। ये देखिए ये पहले से ही तरबूज जमा दिया गया है और इतना गड्ढे खोदने के बाद भी उसको ढक दिया जाता है। फिर देखिए थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसको लगाया जा रहा है कैसे बालू में, देख लीजिए आप लोग। देखिए इसमें बीच बीच में डालने से मतलब ये कटा होगा ना तो गिरेगा नहीं ये, तो इसको बराबर बीच में मतलब ये मिट्टी बगल से गिरेगी नहीं इसमें। देखिए ये इसको ढक दिया गया है, देखिए अब ये निशान लग गया है यहाँ पे, मतलब कि अब पौधा लगा दिया गया है। देख लीजिए कैसे खेती की जा रही है। ये तरबूज है भाई, वो रेन जिसको रेन बोला जाता है और पनुआ भी बोला जाता है इसको। देखिए इसको लगाया जा रहा है, देख लीजिए कैसे लगाया जा रहा है ये। अब ये लगभग कितने दिनों में निकल जाएगा? 4 या 5 दिन में इसका पौधा बाहर आ जाएगा और 2-2.5 महीने में इसमें फूल और फल आ जाता है। हाँ 2-2.5 महीने में लगभग इसमें फूल और फल आ जाएगा। मैं आप लोगों को पूरा वीडियो इसमें दिखाऊंगा कैसे फूल और फल आ रहा है इसमें और कितना बड़ा बड़ा इसमें फल लग रहा है और कैसे यहाँ से शहरों में यहाँ से सप्लाई होती है तरबूज की, मैं वो सारा वीडियो आपको दिखाऊंगा। कितना कुंटल लगभग यहाँ सप्लाई होता है पर डे? बहुत ही कुंटल, टन 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 में जाता है, मतलब ट्रक यहाँ पर लगता है, ट्रक में
यहाँ से सप्लाई होती है तरबूज की, और पूरे देश में यहाँ से सप्लाई होती है, जो यहाँ शहरों में भी यहाँ से पहुँचाया जाता है ट्रक के माध्यम से। और शायद आप लोग शहर में होंगे तो यहाँ का तरबूज का मज़ा ज़रूर लेंगे। चलिए ठीक है, और इसमें जब कटाव किया जाएगा बगल से तो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाऊँगा। यहाँ से बालू निकाल दिया जाएगा, और वो देख लीजिए सामने वो खाद रखा हुआ है गोबर का, उसी को इसमें डाला जाएगा। देखिए सामने गोबर का खाद रखा हुआ है, इसको इसी में डाल के थोड़ा थोड़ा, जिससे कि इसको एनर्जी मिलती रहे। और देख लीजिए गोबर का खाद, एनर्जी मिलती रहे इसको, उसमें डाला जाएगा। दोस्तों थोड़ा इन लोगों से बात कर लिया जाए कि कैसे कितना पैदा होता है खेती के ऊपर। अच्छा ये बताइए आप भैया, बतावा कितना गाड़ा आप लोग खन लेते हैं, और कितना गाड़े में कितना आमदनी हो जाता है आप लोगों को ये तरबूज? सबसे पहले तो हम लोग एक पत्ता लगाते हैं, पहले 250 गाड़ा मतलब एक पत्ता में आता है। अच्छा, एक पत्ते का मतलब वो जो पैकेट आता है तरबूज का, उसमें 250 बीज होता है ना? 250 बीज होता है, 250 नहीं 1000 बीज होता है, मतलब 250 गाड़ा में मतलब चार चार करके। अच्छा, चार चार लगता है 250 बीज, चार चार करके बोया जाता है इसमें। फिर इसके बाद इसका मतलब कटाव होता है, इसका माटी निकाल के पूरा जितना अधिक रहेगा कटाव उतना अच्छा फल देगा। मतलब यहाँ से इसको निकाल दिया जाएगा, बालू को निकाल दिया जाएगा, और उसमें खाद डाला जाता है ना? आटे और खावड़े के मामले में यहाँ से निकाल दिया जाएगा, इसको निकाल के इसमें बकायदे खाद, गोबर की खाद, और ये डाई डाल के यूरिया डाल के भर देते हैं, भर के तब इसको यहाँ पे ये छुड़ाया जाएगा, इसको मिट्टी यहाँ से छुड़ाई जाएगी, ये पूरा इसे बस रह जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को पौधा दिखा देता हूँ, पौधे पे अच्छा समझ में आएगा कि कैसे पौधा निकलता है और कैसे गोबर की खाद इसमें डाला जाता है। और चलिए आगे चलते हैं, हम लोग दिखाता हूँ वहाँ पर अभी बोया नहीं गया था, क्योंकि यहाँ पर बो दिया गया है। और ये देखिए तरबूज निकल गया, ये देखिए तरबूज वाली रैन, इसको पनवा भी बोला जाता है देहात में। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका पौधा, कितना सुंदर दिख रहा है ये। अब लगभग 2-2.5 महीने में तैयार हो जाएगा, फूल पत्ती सब आ जाएगा इसमें। 2-2.5 महीने के बाद मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगा इस वीडियो में कैसे यहाँ पर तरबूज निकलता है, कैसे सप्लाई किया जाता है मार्केट में, क्या रेट है, क्या हर एक उस चीज़ के बारे में मैं दिखाऊंगा। आइए मैं दिखाता हूँ क्या क्या लगाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे गोबर की खाद रखी गई थी, वही गोबर देखा है, भैंस गोबर देखी, ये गोबर की खाद है, इसी को बालू में मिला के गड्ढे में डाल के मिलाया जाता है, और फिर ऊपर से बीज को लगाया जाता है, जिससे कि बीज को अच्छी तरह से उसके पूरे पोषक तत्व मिलते रहें, तत्व मिलते रहें, जिससे कि पौधा विकास करें, क्योंकि ये बालू में मिट्टी में उसको काफ़ी मात्रा में कैल्शियम और ये सब पोटास ये सब मिले, और इसीलिए इसमें गोबर की खाद डाली जाती है, जिससे कि ये अच्छी तरह से विकास करें। क्योंकि ये सब जितनी भी नदी लगाई गई है गाड़ी में, यहाँ पे खरबूज बो दिया गया है, देखिए ये खरबूज निकल भी गया है, तरबूज यार भूल जाते हैं, तरबूज निकल भी गया है। देखिए ये तरबूज बोने से एक हफ्ते के लगभग निकल ही जाता है, और ये 2-3 महीने दो ढाई महीने के आसपास जाते जाते इसमें फूल और पत्त फल लग जाएंगे। और मैं आप लोग को पूरे डिटेल में उसमें दिखाऊँगा कैसे इसका फल बड़ा बड़ा निकलता है यहाँ पर, और बहुत काफ़ी मात्रा में यहाँ पे खेती होती है इसकी। चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ कैसे इसको इसमें आप लोग आ गए हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे तरबूज को लगाया जा रहा है गड्ढे में, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा खोद दिया जाता है पहले से ही। और देख लीजिए ये तरबूज है, ये तरबूज देख लीजिए पहले से ही जमा दिया गया है, ये देखिए ये पहले से ही तरबूज जमा दिया गया है, और इतना गड्ढे खोदने के बाद भी उसको ढक दिया जाता है, फिर देखिए थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसको लगाया जा रहा है कैसे बालू में, देख लीजिए आप लोग, देखिए
इसमें बीच बीच में डालने से मतलब ये कटा होगा ना तो गिरेगा नहीं ये, तो इसको बराबर बीच में मतलब ये मिट्टी बगल से गिरेगी नहीं इसमें। देखिए ये इसको ढक दिया गया है, देखिए अब ये निशान लग गया है यहाँ पे, मतलब कि अब पौधा लगा दिया गया है। ये तरबूज है भाई, वो रेन, इसको रेन बोला जाता है और पनुआ भी बोला जाता है इसको। देखिए इसको लगाया जा रहा है, देख लीजिए कैसे लगाया जा रहा है। अब ये लगभग कितने दिनों में निकल जाएगा? चार या पाँच दिन में इसका पौधा बाहर आ जाएगा और 2-2.5 महीने में इसमें फूल और फल आ जाता है ना। 2-2.5 महीने में लगभग इसमें फूल और फल आ जाएगा। मैं आप लोगों को पूरा वीडियो इसमें दिखाऊंगा कैसे फूल और फल आ रहा है इसमें, इतना बड़ा बड़ा इसमें फल लग रहा है और कैसे यहाँ से शहरों में यहाँ की सप्लाई होती है तरबूज की, इसमें वो सारा वीडियो आपको दिखाऊँगा। कितना कुंटल लगभग यहाँ सप्लाई होता है, टन में जाता है, मतलब ट्रक यहाँ पर लगता है, ट्रक में यहाँ से सप्लाई होती है और पूरे देश में यहाँ से सप्लाई होती है, जो यहाँ शहरों में भी यहाँ से पहुँचाया जाता है ट्रक के माध्यम से। और शायद आप लोग शहर में होंगे तो यहाँ का तरबूज का मज़ा ज़रूर लेंगे। जब कटाव किया जाएगा बगल से तो मैं आप लोग को यहाँ से बालू निकाल दिया जाएगा और वो देखिए सामने वो खाद रखा हुआ है गोबर का, इसी को इसमें डाला जाएगा। देखिए सामने गोबर का खाद रखा हुआ है, इसको इसी में डाल के थोड़ा थोड़ा इससे कि इसको एनर्जी मिलती रहे। और देख लीजिए गोबर का खाद एनर्जी मिलती है, इसको उसमें डाला जाएगा। मेरे किसान भाइयों का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और आगे भी मैं इसी तरह का वीडियो आप लोग को दिखाता रहूँगा। आगे का मेरा वीडियो है परवल की खेती, आगे मैं दिखाऊंगा परवल की खेती कैसे की जाती है। इसी के साथ विदा लेता।